अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हालचाल है आपके, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल हैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, आज मैं गोभी के पराठों से अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो कल रात में हम लोगों ने गोभी बनाई थी, आलू गोभी। तो जब भी मैं आलू गोभी बनाती हूँ ना, थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि नेक्स्ट डे में हम इसे ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट डे में हम लोग या तो इसके सैंडविच बना के खाते हैं, या फिर अगर बच्चे कहें तो मैं गोभी वाले पराठे बना देती हूँ। तो ये खाने में ना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं अपने लिए पराठा नहीं बनाऊँगी, मैं अपने लिए सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ब्राउन ब्रेड ही खा रही हूँ। तो इसलिए मैं आज अपने लिए सैंडविच बनाऊँगी, बाकी सब के लिए मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। गोभी में जो आलू हमने बड़े बड़े काट के ऐड किए होते हैं ना, वैसे तो मैं ज़्यादा बड़े आलू काट के ऐड नहीं करती, छोटे छोटे ही करती हूँ, लेकिन फिर भी रोटी बनाते हुए वो आलू जो होते हैं ना, वहाँ से रोटी फिर फट जाती है अगर आलू बड़े होंगे। तो इसलिए मैंने हाथों से ही उनको मैश कर दिया है। तो यहाँ पर बस मैं गर्म गर्म पराठे बनाती जाऊँगी और साथ साथ ही सर्व करती जाऊँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। चाहे आलू वाली रोटी हो, गोभी वाली रोटी हो, गरम गरम ही इसका मज़ा आता है। अगर ज़रा भी ठंडी हो जाए ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे बस मैं चाय भी साथ ही बना रही हूँ। और आज अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लगे ना, तो इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। मुझे आज बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक तरह से नहीं पहुंचेगी, तो बस आपने इसे इग्नोर करना है। यहाँ पे गोभी वाला पराठा बनके तैयार हो गया था, तो मुर्तज़ा आके अपना पराठा ले गया है। बाकी अब हनान को मैं दूंगी, साथ साथ ही सर्व करती जाती हूँ। और अम्मी ने चूंकि इस वक्त इंजेक्शन लगाया होता है ना मॉर्निंग में, तो वो थोड़ा सा ठहर के ब्रेकफास्ट करती हैं इंजेक्शन लगाने के बाद, तो इसलिए पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ और साथ फिर अम्मी को बाद में दे देती हूँ, ताकि उनका इंजेक्शन का टाइम भी पूरा हो जाए और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले। और बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद ना मैं उनके लंच बॉक्स को चेक करती हूँ। तो देखिए, मुर्तज़ा अपना लंच बॉक्स वैसे का वैसे ही ले आया है, सिर्फ इसने एक बाइट ही ली है और सैंडविच इसका वैसे ही वापस आ गया है। तो ये खाने में ना इस तरह से मुझे रेगुलर ही तंग करता है, घर में भी तंग करता है और स्कूल में भी जो मैं लंच बना के देती हूँ ना, तो ये खा के आता ही नहीं है। तो बस इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा वीक है और इस तरह से अगर ये खाने के साथ करेगा तो फिर इस तरह इसे कमज़ोरी रह जाएगी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो इस बात को समझते ही नहीं हैं, तो ये पेरेंट्स की ही सरदर्द होती है, बच्चों को तो इस बात का पता ही नहीं होता। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बाहर आ गई हूँ। तो जब मैं गोभी वाले पराठे बना रही थी ना, उस वक़्त लाइट गई हुई थी, और आजकल ऐसे होता है कि मॉर्निंग में 8 बजे ही हमारी लाइट चली जाती है और फिर 3-4 बजे के करीब आती है। तो यूपीएस की रोशनी में ही मैं पराठे बना रही थी, और जब मैं पराठे बना के फारिग हुई तो एकदम से ही लाइट आ गई। तो आज लाइट जल्दी आ गई है, बच्चे अंदर ही बैठ गए थे टीवी के सामने, क्योंकि उनका तो यही काम है, टीवी के सामने बैठ के ही उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ करना होता है। तो मैं तो आ गई हूँ टेरेस में ताकि थोड़ी सी ताज़ा हवा भी ले सकूँ, और पहले तो अच्छी सी धूप निकली हुई थी, लेकिन अब एकदम से ही मौसम चेंज हो गया है, तो मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। एक मिनट में अच्छी धूप होती है और दूसरे मिनट में ही धूप पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो बस सर्दियों में इसी तरह से ही होता है। और यहाँ पे मैंने बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था, और ट्यूशन भेजने के बाद ना मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। जो भी मेरे घर के काम पड़े होते हैं तो उनको मैं सारा ख़त्म कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बेड्स को अरेंज करती हूँ, चादरें वगैरह ठीक करती हूँ। तो इसी वक्त मैं बेड को अरेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से घर आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा उधम मचाना होता है, तो मैं वेट करती हूँ कि एक दफ़ा वो अच्छी तरह से उधम मचा लें, और फिर जब वो ट्यूशन जाएंगे तो उसके बाद ही मैं सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। और जैसे ही बच्चे फिर ट्यूशन के लिए निकलते हैं तो मेरे पास ये टाइम फ्री होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि इस फ्री टाइम में जो भी मेरे काम पड़े हुए हैं ना करने वाले सारे दिन के, तो वो मैं कर लेती हूँ। चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, डस्टिंग का काम हो, बर्तनों को वॉश करने वाला काम हो, वो सारे काम मैं इसी वक्त में ही करती हूँ।
तो सबसे पहले तो मैंने बेड को अरेंज किया, उसके बाद मैं किचन में आ गई और सारी काउंटर टॉप्स और स्टोव को मैंने साफ़ कर लिया, और फिर जो बर्तन पड़े हुए थे ना उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। तो इस वक्त काम करने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि बच्चे घर में नहीं होते, और जब वो घर में होते हैं ना तो एक तरफ से कोई आवाज़ दे रहा होता है और दूसरी तरफ से कोई आवाज़ देता है, और फिर इन्हें और कुछ समझ नहीं आती तो आपस में ही छेड़खानी शुरू कर देते हैं कि इसने मेरी तरफ़ देखा है, इसने मुझे हाथ लगाया है। बस इसी तरह से ही ना ये एक दूसरे के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का यही काम होता है, हर घर में ही बच्चे इसी तरह से करते हैं। क्योंकि पहले तो मैं सोचती थी शायद मेरे बच्चे ही इस तरह से करते हैं, लेकिन फिर मुझे मेरी हाउस हेल्पर भी बताया करती थी, इसके अलावा हमारे एक दो रिलेटिव्स भी बताते थे कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से ही करते हैं, कि बहन भाई इसी तरह से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो ऊपर नीचे के बहन भाई होते हैं, कि इसने मेरी तरफ़ देखा है, इसने मुझे हाथ लगाया है, ये मेरी तरफ़ देख के हंसा है। तो बच्चों का बस यही काम होता है, छोटी छोटी सी बात पे चिढ़ जाते हैं। तो जी सारे काम तो मेरे हो गए थे, आज क्लीनिंग का काम मैंने नहीं किया क्योंकि सारा घर नीट ही था, तो क्लीनिंग का काम मैंने स्किप कर दिया है आज। और आज ना कुछ कपड़े पड़े हुए थे फोल्ड करने वाले, ये एक्चुअली मैंने एक दो दिन पहले ही वॉश करके रखे थे, तो सारे कपड़े यहाँ पे सोफे पे ही दो दिन से पड़े हुए थे, मैं इनको फोल्ड नहीं कर सकी, तो बस आज मैं इनको फोल्ड करने का काम पहले कर लूँगी। क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग का काम स्किप किया है, तो क्लीनिंग करने में जितना टाइम लगना था ना उतना टाइम मैंने कपड़े फोल्ड करने में ही लगा दिया है। तो सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, इन्हें अलमारियों में भी रख लिया, और अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ। और आज मैं चने की दाल को भिगो के रख दूंगी क्योंकि मुझे शामी बनाने हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ शामी बनाने के लिए, लेकिन फिर वक्त ही नहीं मिलता। लास्ट वीक में तो वेडिंग थी इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था, और आज मैंने सोचा कि बच्चों को शामी बना के दे देती हूँ। शामी बना के रख लूँगी ना तो फिर बच्चे लंच बॉक्स में भी ले जाएंगे। तो दाल को मैंने भिगो के रख दिया है, गोश्त को भी गलने के लिए रखा हुआ है, और साथ ही मैं डिनर बनाने की तैयारी भी करने लगी हूँ। तो मैंने ये सरसों का साग बना के उबाल के फ्रीज किया हुआ है, तो बस इसे ही तड़का लगाऊंगी। साग तो पहले ही उबला हुआ पड़ा हुआ है, बस इसे तड़का ही लगाना है, तो हमारा डिनर आज तैयार हो जाएगा। तो आज मैंने दो चीज़ें बनानी थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि सरसों का साग ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए बस मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया है और इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और एक कड़ी पत्ता ऐड किया है, और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा ना मैंने हरी मिर्चों को पीस के ऐड किया है, तो साग में इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में हरी मिर्चों को पीस के ऐड करती हूँ। तो जैसे ही मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो मैं इसमें बॉयल किया हुआ साग ऐड कर दूँगी और फिर इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी। तो बस साग को पकाने का अमल तो इतना ही था, थोड़ी ही देर में हमारा साग बन के तैयार हो जाएगा, साथ में प्रेशर भी चल रहा है, तो बस ये सारे काम मिलजुल के ही होते रहेंगे। और अब बच्चे ट्यूशन से आ गए थे ना, तो मैं सोच रही थी कि अभी डिनर बनाने में तो थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ है, और वैसे भी डिनर हम थोड़ा सा लेट ही करते हैं, तो मैं बच्चों को ये पापड़ फ्राई करके दे दूंगी। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, लास्ट मंथ में ही मैं लेके आई थी 3-4 पैकेट, और बस अब ये आज लास्ट पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने बच्चों को फ्राई करके दे दिया है। और मुर्तज़ा का यही काम होता है, आजकल वो ट्यूशन से आने के बाद ना फ़ौरन से ही सो जाता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता है ना सारे दिन में, तो अब वो सोया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पापड़ बना के बच्चों को दे आई हूँ, मुर्तज़ा सोया हुआ था तो मैंने थोड़े से निकाल के इसके लिए रख लिए हैं। बस अब मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ, डिनर का टाइम तो हो चला है, और यहाँ पे हमारे शामी भी तकरीबन बन के तैयार हो गए हैं, बस अब मैंने इनको पीसना है और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो इसको तो मैं बाद में तैयार करूँगी क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म है, तो पहले मैं साग में तड़का लगा लेती हूँ और बच्चों को रोटियाँ बना के दे देती हूँ।
और लास्ट टाइम जब मैंने ये साग बनाया था ना, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी इसको खाते रहे। तो आज भी बच्चे मुझे यही कह रहे थे कि कल भी हम इसे ब्रेकफास्ट में खाएंगे, बड़े ही मज़े का लगता है हमें। और ये ना वैसे भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दो तीन सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं और ये इन्हीं में से एक है। और साग को तड़का लगाने के बाद हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म डिनर बिल्कुल तैयार है, फुलके भी तैयार हो गए हैं। तो अब हम अपना मज़ेदार सा डिनर करते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूंगी दोबारा एक नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।